नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल और एक बार फिर से फतेहाबाद से क्राइम रिपोर्ट राजेश भांबू के साथ। भूना में आपसी लेन देन को लेकर के हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि भूना में कल देर शाम को एक युवक की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। हत्या आरोपियों में एक चाचा है तो दूसरा चचेरा भाई। हत्या की पीछे की वजह जो है वो आपसी लेन देन बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भूना निवासी विजय कुमार का परिवार और चाचा के परिवार के बीच में आपसी लेन देन को लेकर के काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। हत्या से पहले दिन भी दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ और यह मामला पुलिस तक भी पहुंचा। डीएसपी दलजीत सिंह ने बताया है कि क्योंकि मामला लेन देन का था इसलिए पुलिस ने भी किनारा किया, लेकिन इसके बाद शाम को दोनों परिवारों के बीच में आपसी झगड़ा हुआ। मृतक के चाचा सुरेश कुमार और चचेरे भाई ने उस पर ईंट से वार कर दिया। ईंट लगने से युवक की हत्या हो गई, लेकिन हत्या के आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबो की खास रिपोर्ट। इसमें क्या था कि विजय सदोष करमवीर वाल्मीकि इसका कोई लेन देन का मैटर था पैसे का, तो पैसे के मैटर में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। तो इनकी फिर शाम को घर में कुछ पैसे के लेन देन के ऊपर झगड़ा हो गया, जिससे सुरेश और पवन ने इसके इंटों से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये रिलेटिव है इनके जिन्होंने मारा है? ये इसके हाँ घटना तो दो वार्ड में हुई है। कजन है इसका जो पवन, सुरेश भी साथ है इसका। कितनी की उम्र है सर मरने वाले की? 30 साल। तो ये सर की तरफ से जो तहरीर दी गई है कि उनकी तरफ कंप्लेंट दी गई, क्या है सर उसमें? उस टाइम तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, वो बयान दर्ज कर रहे थे। अभी मामला दर्ज हो गया सर? अभी हो गया उधर। बताया जा रहा है हत्या के बाद परिवार फरार बताया जा रहा है, परिवार फरार बताया जा रहा है जिन्होंने हत्या की है सर? हाँ वो फरार है, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।